इधर मोदी दे रहे थे भाषण और उधर खालिस्तानियों ने दिल्ली में कर दी गंदी हरकत। G20 से पहले दिल्ली के 5 मेट्रो स्टेशनों पर ये क्या हो गया? ये जो गरीबी से ऊपर आने वाले लोग हैं, जो न्यू मिडिल क्लास है, और मैं मानता हूं यही सबसे बड़े कंज्यूमर है, क्योंकि वो एक नए एस्पिरेशंस के साथ आते हैं। जो न्यू मिडिल क्लास भी भारत की ग्रोथ को मोमेंटम दे रहा है, यानी सरकार ने गरीबों के लिए जो काम किया उसके नेट बेनिफिशियरी हमारे मिडिल क्लास भी हैं और हमारे एमएसएमईज भी हैं। कल्पना कीजिए कि प्रो पुअर गवर्नेंस पर फोकस करने से आने वाले 5-7 साल में कितना बड़ा मिडिल क्लास तैयार होने वाला है। इसलिए हर बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों की, और ये जो परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, उस परचेजिंग पावर मिडिल क्लास का जैसे जैसे बढ़ता है तो सीधा सीधा वो बिजनेस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और हमने इस दोनों पर एक समान रूप से कैसे फोकस करना है। हमारा फोकस अगर सेल्फ सेंट्रिक रहा तो मैं नहीं मानता हूं कि हम खुद का भी भला कर पाएंगे और दुनिया का भी भला कर पाएंगे। ये चुनौती हम क्रिटिकल मटेरियल, रेयर अर्थ, ऐसे कई मेटल के मामले में अनुभव भी कर रहे हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो कहीं बहुत अधिक हैं, कहीं है ही नहीं, लेकिन जरूरत पूरी मानव जात को है। जिसके पास वो अगर इन्हें ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में नहीं देखेगा तो ये एक नए कॉलोनियलिज्म के मॉडल को बढ़ावा देगा। और ये मैं बहुत गंभीर चेतावनी दे रहा हूं फ्रेंड्स। ये प्रॉफिटेबल मार्केट कैन बी सस्टेन व्हेन देयर इज ए बैलेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। दिस ऑल्सो अप्लाइड टू नेशंस। ट्रीटिंग अदर कंट्रीज ओनली एज अ मार्केट विल नेवर वर्क। इट विल हार्म इवन द प्रोड्यूसिंग कंट्रीज सूनर और लेटर। मेकिंग एवरी वन इक्वल पार्टनर्स इन प्रोग्रेस इज द वे फॉरवर्ड। देर आर मैनी ग्लोबल बिजनेस लीडर्स हियर। कैन वी ऑल गिव मोर थॉट टू हाउ टू मेक बिजनेस मोर कंज्यूमर सेंट्रिक। दिस कंज्यूमर्स कुड बी इंडिविजुअल्स और कंट्रीज। Their interests need to be taken care of as well. Can we think of some sort of a yearly campaign for this? Every year, can global business come together to pledge themselves for the good of the consumers and their markets? साथियों, क्या दुनिया भर में सारे बिजनेस मिलकर साल का कोई ऐसा दिन तय कर सकते हैं जिसे कंज्यूमर को समर्पित किया जा सके? दुर्भाग्य देखिए, हम कंज्यूमर राइट्स की बात करते हैं, कंज्यूमर राइट्स का डे भी मनाते हैं दुनिया, उनको करना पड़ रहा है। क्या हम इस चक्र को बदल करके, जैसे कार्बन क्रेडिट छोड़कर के ग्रीन क्रेडिट पर जाएं,
वैसे कंज्यूमर राइट डे की दुनिया पर मजबूरी के बजाय हम कंज्यूमर केयर की बात करने का नेतृत्व ले सकते हैं। एक बार हम कंज्यूमर केयर डे मनाना शुरू करें, आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा पॉजिटिव सिग्नल्स के साथ का एनवायरनमेंट बदल जाएगा। अगर कंज्यूमर की केयर बात होगी तो राइट से जुड़े उनके मुद्दे अपने आप सॉल्व हो जाएंगे साथियों।